शाहजहांपुर में सहायक अध्यापक ने प्रधानाचार्य के साथ में मारपीट कर दी। प्रधानाचार्य ने कोतवाली में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुआया थाना क्षेत्र के इटोली प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है, जहां पर पुआया नगर में मोहल्ला रामनगर में रहने वाले श्याम कुमार त्रिवेदी ने कोतवाली में रविवार को तहरीर दी है और बताया है कि इटोली के गाँव के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर वह कार्यरत है। शुक्रवार को वह विद्यालय गए थे। उनके विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात विनोद राठौर अक्सर बच्चों को ना पढ़ाते हैं और विद्यालय के परिसर में फोन पर लगे रहते हैं। शुक्रवार को उन्होंने विनोद राठौर को बच्चों को पढ़ाने और फोन पर बात ना करने के लिए समझाइश दी थी, जिससे नाराज होकर सहायक अध्यापक विनोद राठौर के द्वारा प्रधानाचार्य श्याम कुमार त्रिवेदी के साथ में मारपीट की गई है, जिसके बाद में त्रिवेदी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पर पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला? मैं श्याम कुमार त्रिवेदी, इंचार्ज प्रधान अध्यापक सम्मिलियन विद्यालय इटोली में तैनात हूँ। मेरे विद्यालय में एक अध्यापक विनोद कुमार राठौर हैं, जो प्रायः विद्यालय आने के बाद घंटों फोन पर लगे रहते हैं और कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ कम समय बिताते हैं। एक दिन जब मैंने उनको पर 26 तारीख को इस बात को लेकर के टोका, तो वो मारपीट पर उतारू हो गए और मेरे साथ हाथापाई की। मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं, मेरी आँख के पास गंभीर चोट है, जिससे आँख से मुझे दिखाई भी कम दे रहा है। कृपया सूचना आपकी सेवा में। न केवल मेरे साथ मारपिटाई की, बल्कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, जिसका आप चाहें तो विद्यालय आकर बच्चों और हमारे विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों से पता किया जा सकता है। उपरोक्त विवाद को हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों जैसे खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है। साथ ही मेरे जो भयंकर चोटें आई हैं, इसके लिए मैंने थाना पुवाया पर भी एक तहरीर दी है, जिसकी FIR भी दर्ज कर ली गई है।